आधा कप दूध में बनकर तैयार होने वाली ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है, जिसे आप एक बार क्या बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही कम और यूनिक इंग्रेडिएंट लगेंगे, बहुत ही टेस्टी यम्मी, और जब भी आपका मन करे आप बना लें। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस टेस्टी सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए ये पार्ले जी की बिस्किट, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। इन्हें हमें मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है। आपके पास जो भी बची हुई बिस्किट्स रहती हैं ना, चॉकलेट वाली या जो भी आपके पास हो, वो आप इसमें डाल दें। अगर आपके पास नारियल वाली बिस्किट है ना, तो उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और अगर नहीं भी है ना, तो हम इसमें एक ऐसी ट्रिक करने वाले हैं जिससे इसमें नारियल का फ्लेवर भी आएगा और साथ ही साथ ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी भी बनेंगी। तो बस सिंपल सा इन्हें डालकर और इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। इसमें हमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो बस इसे हम ऐसे ही ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बिस्किट हमारी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है एकदम पाउडर फॉर्म में। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बिस्कुट पाउडर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसी मिक्सी जार में हम लेंगे यहाँ पर आधा कप दूध, डेसिकेटेड कोकोनट ले लेना है हमें, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया नारियल का फ्लेवर आएगा। आप इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे ना, तो इसका एक बिल्कुल लिक्विड जैसे बन जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो गया है, बिल्कुल नारियल वाला मिल्क हमारा तैयार है। तो इसे भी हम रख देते हैं अभी साइड में। अब यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन ले लें, इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी, एक कप पानी। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे हमें घोल देना है। सारी चीज़ें हमें इसमें असेंबल करनी है और मिठाई को अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए दे रहे हैं इलायची का पाउडर, आप अपने मनपसंद किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो नारियल वाला दूध तैयार किया था ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो बिस्किट से ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये तैयार होकर बन जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे बना है। खाने में इतना टेस्टी है ना कि बच्चे तो इसे ऐसे ही खा जाएंगे, क्योंकि एक तो इसमें बिस्किट डलेंगी, बिस्किट डलने से क्या होगा, इसमें एकदम मावा जैसे टेस्ट क्रिएट होगा। आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करना चाहें ना, तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने पास वो नहीं है तो आप केवल इसे बिस्किट के पाउडर से ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बिस्किट का पाउडर। तो जैसे कि बिस्किट का पाउडर मैंने यहाँ पर पार्ले जी लिया है ना, अगर आप चॉकलेट वाली लेंगे तो ये चॉकलेट फ्लेवर का बन जाएगा। जो भी चीज़ें आपके पास, जो भी बिस्किट है ना, आप उस बर्बन बिस्किट होती है ना, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम या हाई कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, जब तक ये बिल्कुल डो फॉर्म में ना बन जाए। आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स की कतरन भी डाल सकते हैं, मैं इन्हें प्लेन ही रखूँगी, ऊपर से इनमें सजाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमें मिक्स करते जाना है, कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें लम्स भी बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिस्किट के पाउडर को रोस्ट नहीं किया है, अगर आप इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करके लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी में इन्हें रोस्ट भी कर सकते हैं, वरना अगर आपकी फ्रेश बिस्किट है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए अपने आप ही ये डो बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट मिठाई बना रहे हैं ना, आप इन्हें बहुत दिनों तक स्टोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत स्वीट क्रेविंग हो रही है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो और आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है घर में रखी चीज़ों से। मार्केट की बजाय हम घर में कोई भी चीज़ बनाकर खाते हैं ना, तो हेल्दी भी होती, टेस्टी भी, साथ में खुद के हाथों से बनी होती, तो अपने आप में ही इसमें एक स्वाद आ जाता है। अब हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी या बटर, आप कुछ भी डाल दें। तो मैंने यहाँ पर बटर डाला है एक टेबल स्पून के लगभग, जिससे कि इसमें एक चिकनाई आ जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि घी से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं ना, उनका एक अपना ही टेस्ट और स्वाद होता है। मिठाई में कभी भी तेल ना डालें, क्योंकि तेल डालने से मिठाई चिकनी तो हो जाती है, लेकिन जब आप उसको खाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी। और आप जब उसको रख देंगे, क्योंकि हम एकदम से ढेर सारी मिठाई तो खा नहीं सकते हैं, तो फिर वो खपती नहीं है। इसलिए कभी भी मिठाई बनाए ना आप, कोई कितना भी कहे कि हम तेल से मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, आप वो मिठाई में तेल बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि मिठाई में घी ही अच्छा लगता है,
या फिर बटर, क्योंकि वो भी घी ही होता है। तो ये देखिए बिल्कुल डो बन गया है, हाथों से हम इसने छूकर देखे ना तो ये एकदम से चिपक नहीं रहा है। अब यहाँ पर हमने एक केक टिन ले लिया है, आप कोई भी प्लेट या थाली ले लें, इसमें घी से अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर देना है। इसमें कोई भी बटर पेपर वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी तरह से सभी तरफ हम लगा देंगे इसमें घी। थोड़े बहुत हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे नीचे कतरन, जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे ना तो अपने आप सारे सेपरेट रहेंगे, स्टिक हो जाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे मिठाई का बेस और अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है आपको, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये अपने आप डीमोल्ड हो जाएगी, इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और एक बार आप इसे ज़रूर बनाए कर देखिएगा, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है, आपको लगेगा जैसे हम खोवे वाली मिठाई खाते बिल्कुल वैसी ही आएगी। तो ये देखिए मिठाई हमारी एकदम सेट हो गई है, मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। साइड से आप इस तरह से हाथों से करेंगे ना तो ये स्क्वीज़ हो जाएगी, और अब आप इसे जब टर्न करेंगे तो ये देखिए बहुत ही आराम से, ना ही हमने चाकू लगाई ना ही कुछ और। और अब आप इससे अपने मनपसंद कोई भी चाकू का इस्तेमाल करके, कोई भी शेप करके आप इसमें मिठाई बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी चाहे वैसी आप इसमें से स्क्वायर कट कर सकते हैं। आप इसमें अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उस शेप से भी कोई भी मिठाई डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर बनाइए। मेरे चैनल में आपको बहुत ही ईजी घर में रखी हुई चीज़ों से बनकर तैयार हुई रेसिपीज देखने को मिलती ही रहेंगी। मैं एवरीडे कोई ना कोई रेसिपी बनाती ही रहती हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, साथ ही ना ही आप ऑल का बटन क्लिक करते हैं, यदि आप नोटिफिकेशन बेल क्लिक नहीं करेंगे ना तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो आप उसे ज़रूर क्लिक करा करिए। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई, इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।